अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि भाई मल्टी स्टेप फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में। हाउ टू मेक अ मल्टी स्टेप फॉर्म इन कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, ठीक है, और इसमें लिखेंगे यहाँ पे वेलकम अवर प्रो प्लगइन है, तो हम प्रो प्लगइन जाकर एक्टिवेट करेंगे। सिर्फ फ्री वर्जन भी है, वैसे फ्री वाला वर्जन भी देखते हैं। फ्री वाला वर्जन ये मल्टी स्टेप चेकआउट आ गया, ये वाला है जो कि फ्री वर्जन है, मल्टी स्टेप फॉर वो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ठीक है। इसके हम लोग फ्री वर्जन भी है, फ्री वर्जन में लिमिटेड ऑप्शन है, तो हम इसका प्रो वर्जन यूज करेंगे, प्रो वाला। तो मैं प्रो वाला वर्जन की तरफ जाता हूँ, ऐड इंस्टॉल प्लगइन्स में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा प्रो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मल्टी स्टेप प्रो प्लगइन। ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे भी दूंगा, तो टेंशन ही लेनी इसकी। ये प्लगइन मैंने एक्टिवेट कर लिया है और कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में जाऊंगा यहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ आ रहा है भाई स्टेप वन आ रहा है, ये कह रहा है नेक्स्ट बटन, यानी कि नेक्स्ट करो स्टेप पे क्या टेक्स्ट आएगा। मैंने कहा भाई यहाँ पे मेरा स्टेप वन लिख दो, ठीक, और नेक्स्ट के आगे लिख दो नेक्स्ट बटन, ठीक है। अब मैं स्टेप टू के अंदर कुछ फील्ड ले लूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे ये स्टेप वन हो गया, स्टेप टू पे आया। स्टेप टू मैंने कहा नेक्स्ट, दो ही स्टेप रखता हूँ, स्टेप टू रखा और स्टेप टू के अंदर मैंने कुछ फील्ड्स रख दी यहाँ पे, जैसे कि मैंने टेक्स्ट फील्ड ले ली, ठीक है, मैंने सही नाम ले लिया इसका, स्टाइलिंग नहीं कर रहा, नॉर्मल आपको दिखा रहा हूँ कि स्टेप फॉर्म कैसे बनेगा, ठीक। और इसी तरह टेक्स्ट एरिया ले लिया आपने और नंबर की फील्ड ले लिया आपने, ठीक। यहाँ मैंने ये तीन फील्ड ले ली, मैं कह रहा हूँ एक और स्टेप हो जाए, तो मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप वन आया, ये स्टेप टू आया, स्टेप टू आया और ये स्टेप थ्री आया, ठीक। स्टेप थ्री के अंदर मैंने यहाँ टेक्स्ट एरिया की फील्ड ले ली एक, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ही नाम दे दिया, एंटर मारा, यहाँ मैंने टेक्स्ट फील्ड ले ली, यहाँ मैंने प्लेस होल्डर को ऐसे ही नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ बैक बटन आ गया है, सही, यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट को उठा के थर्ड स्टेप पे रख देंगे, यहाँ लगा देंगे इसको, इसको मैं सेव कर लेता हूँ फिलहाल। और इस फॉर्म का शॉर्ट कोड हम नॉर्मली आपने वीडियो देख लिया कॉन्टेक्ट 7 के अंदर फॉर्म कैसे बनता है, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा आपको। तो द बेसिक कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 कैसे बनता है, ऐसे शॉर्ट कोड कैसे हम कॉल कराते हैं दूसरे पेजेस के ऊपर, ये इसका शॉर्ट कोड है, जहाँ पे शो कराना है उस पेज के ऊपर शो कराएंगे। फिलहाल मैं इसको व्यू करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करते हैं। फिलहाल ये मेरे पास एक स्टेप आ गया, ठीक है, ये फील्ड में कुछ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेटिंग्स पे जाता हूँ, इसकी मल्टी स्टेप सेटिंग्स कह रहा है, ऑटो स्क्रॉल टू टॉप, अच्छा भाई ट्रांजिशन इफेक्ट्स की है इसके अंदर। मैंने कहा भाई मैं प्रोग्रेस बार भी चाहिए, ठीक है भाई प्रोग्रेस बार भी चाहिए इसमें, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ये स्टाइल ले लेता हूँ और इसको मैं अलाउ चूज टैप करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है आगे, ज़बरदस्त हो गया दोस्तों। इसमें हम यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री का जो टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ जाएगा, सही। तो हम यहाँ पे नाम देखते हैं किस तरह आ रही है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया में दे दिया, एंटर मारा, ये इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, पूरा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे उठाया लेबल की फील्ड, ठीक है, लेबल की फील्ड में यहाँ मैंने रख दिया टेक्स्ट, यहाँ मैंने लिख दिया माय नेम, सही, इसी तरह रख दिया मैंने यहाँ पे माय मैसेज, ठीक, इसी तरह रख दिया मैंने यहाँ पे माय नंबर, माय नंबर, ठीक, और
फिलहाल ये ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी मैं इसको स्टाइलिंग्स की थोड़ी सेट कर देता हूँ, डिटेल्स ठीक, प्लेस होल्डर में यहाँ डिटेल्स डाल दिया मैंने, सही इधर मैंने यहाँ लिख दिया भाई मोबाइल नंबर, ऐसे ही फील्ड बना रहा हूँ ताकि थोड़ा शेप में आ जाए इसका डिज़ाइन। ठीक, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको सेव किया, सही है, और इसको रिफ्रेश करा, 1 मिनट, ये मैंने यहाँ से ऑन किया, सही, और प्रोग्रेस बार मैंने ओपन करी, परसेंटेज में नहीं चाहिए, मैंने चूज स्टेप वाला चाहिए ऑप्शंस, तो मैंने यहाँ पे सेव किया और कंट्रोल शिफ्ट आर करा, तो हमारे पास आ गया भाई, देखें ये ईमेल, सही, मैंने नेक्स्ट किया, इसी तरीके से यहाँ मैंने लिखा, ये हमारे पास स्टेप फॉर्म बन गया, और यहाँ मैंने इसको सबमिट किया, ये हमारे पास सबमिट भी हो गया भाई। इसको मैंने यहाँ पे ईमेल में, सही, इसको रिफ्रेश मारा, ये देखिए मैं यहाँ पर ईमेल भी आ गई इसकी, सही। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया तो भाई कुछ चीज़ पूछनी हो तो मैसेज करके पूछ लेगा, यहाँ मल्टीपल ऑप्शन हैं, नोड टैक्स, हॉरिजॉन्टल टैक्स, आपको परसेंटेज में चाहिए ये परसेंटेज में दिखा देगा फॉर्म के अंदर, तो इसमें ये हर बार अगर आप सेटिंग में छेड़ रहे तो ये इसकी सेटिंग रिसेट हो जाती है, तो आप यहाँ पे आके इसको सेट करना पड़ता है, जो मैंने इस प्लगइन के अंदर एक चीज़ देखी है आपको मैंने बता दिया, यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, यहाँ से आपको स्टाइलिंग दे सकते हैं नेक्स्ट बटन और बैक बटन की, तो एक बार जब चाहे आप चीज़ें सेट कर लें तो फिर यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड आप सारी सेट करके सेव करता हूँ, फिर यहाँ देखेंगे तो आपकी वो सेटिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।